नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बिहार के समस्तीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की ओर से 134 उजियारपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता की बैठक की गई। इस बैठक में वर्तमान विधायक आलोक कुमार मेहता पर गुटबाजी का आरोप लगाया गया है। समस्तीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता के द्वारा 134 उजियारपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता बैठक की गई। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की ओर से रामेश्वर शाह की अध्यक्षता में ये बैठक किया गया, जिसमें वर्तमान विधायक आलोक कुमार मेहता के कार्यकाल का आलोचना करते हुए संगठन में गुटबाजी का आरोप लगाया और सर्वसम्मति से आगामी विधानसभा चुनाव में स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देने की मांग पार्टी के आलाकमान से करने का निर्णय लिया। मौके पर राजद के वरिष्ठ नेता व मिथिला डेयरी के चेयरमैन उमेश राय ने वर्तमान विधायक के कार्य की जमकर आलोचना की। वहीं स्थानीय राजद कार्यकर्ता में टिकट के प्रबल दावेदार पूर्व युवा प्रदेश सचिव कमलनाथ राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आलोक मेहता पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी को तोड़ने और विकास कार्य में गुटबंदी और भेदभाव करते हैं। इसीलिए पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता ने निर्णय लिया है कि उजियारपुर के स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए। इसके लिए आलाकमान को मांग पत्र दी जाएगी और अगर मांग स्वीकार नहीं की गई तो एक विशाल आम सभा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित थे वरीय नेता रामवरण महतो जी, मिथिला मिल्क यूनियन के अध्यक्ष उजियारपुर मुखिया संघ के अध्यक्ष उमेश राय जी, वरीय राजद नेता रामेश्वर शाह जी, बसी अहमद जी, मोहम्मद चांद जी, मोहम्मद नाफे जी एवं 500 से अधिक जाबाज वैसे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जिनके बदौलत उजियारपुर में राष्ट्रीय जनता दल का पचरम अनवरत लहराता रहता है, वो माननीय विधायक उजियारपुर जो पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रधान महासचिव हैं बिहार में, उनके पार्टी को तोड़ने और पार्टी में गुट बनाने के रवैया से नाराज होकर क्षेत्र के प्रति उदासीनता और विकास कार्यों में गुटबंदी भेदभावपूर्ण रवैया से तंग आकर और उजियारपुर के कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही उपेक्षा से तंग आकर के सभी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं ने आज एक दिवसीय बैठक करके ये निर्णय लिया है जो उजियारपुर का उम्मीदवार उजियारपुर का बेटा होना चाहिए, स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए।